हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। मैं हूं रेखा। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि हमारा जो कैलेथिया ऑर्नाटा का प्लांट होता है, इसको हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसको कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। मेरा जो कैलेथिया ऑर्नाटा का प्लांट है, इसको आज मैं इन पोट्स में रिपोर्ट भी करूंगी और साथ साथ प्रोपोगेट भी करूंगी। इसके लिए मैंने इनमें मिट्टी पहले से फिल कर ली है और मिट्टी इसमें मैंने काफ़ी भुरभुरी मिट्टी ली है, पोरस जो मिट्टी होती है वो ली है, ताकि बिल्कुल भी पानी हमारे इस प्लांट में ना रुके, क्योंकि एक टोटली इंडोर प्लांट है, इसको हम ज़्यादा पानी दे नहीं सकते और इसको मॉइस्चर पसंद होता है। इस तरह से सबसे पहले मैं जो कैलेथिया ऑर्नाटा का जो प्लांट है उसको इस पॉली बैग से रिमूव कर लूँगी। फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम पॉली बैग को कट करके सीजर वगैरह से और फिर हमारे प्लांट को अलग कर लें। लेकिन मैं यहाँ पर करती क्या हूँ कि जितने भी पॉली बैग्स होते हैं मेरे, उनको मैं कट करने की बजाय उनमें से मिट्टी ही रिमूव कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में पॉली बैग्स में हम हमारी जो कटिंग्स वगैरह होती हैं वो लगा सकते हैं। इसमें मिट्टी इतनी हार्श है, जो एकदम चिकनी मिट्टी होती है टाइट वाली, वही मिट्टी इसमें नर्सरी वालों ने भर रखी है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी आप किसी टूल से चम्मच से इसको हटा सकते हैं मिट्टी को, और ध्यान ये रखना है कि इसमें जितनी भी इस रूट्स हैं इसकी वो डैमेज ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि अभी हमारा प्लांट उतना बड़ा नहीं है, इसकी रूट्स हमें कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं हुई हैं। इस तरह से धीरे धीरे हल्के से पुश करते हुए मैंने सारी इसकी जो मिट्टी है वो रिमूव कर ली है। थोड़ी सी जो मिट्टी होती है इसकी जो बिल्कुल जड़ों में लगी हुई है, उसको भी हल्के हल्के हाथों से हम रिमूव कर लेंगे। बीच में जो है इसका ये मदर प्लांट है और साइड में इसमें दो प्लांट आए हुए हैं, वो इसके सकर्स हैं, या फिर आप उनको बेबी प्लांट्स भी बोल सकते हैं। इस तरह से उन इसको देख सकते हैं आप, जिसकी जड़ें होती हैं वो आगे से बढ़कर ही एक नया प्लांट बनाती हैं। अब हमें करना ये है कि बिल्कुल आराम से इस नए प्लांट को, जो इसका मदर प्लांट है, उसे अलग कर लेंगे। या तो हम कैंची से इसको अलग कर सकते हैं, या फिर हल्के से इसको सेपरेट करते हुए ही अलग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करने, ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो। ये आप देख सकते हैं, मैंने पूरी तरह से ही इसको रूट्स जो हैं इनको ओपन कर लिया है, ताकि ये जो वाली मिट्टी थी, ये जो ब्लैक वाली जो चिकनी मिट्टी होती है वही मिट्टी थी, अगर वो इसकी रूट्स में लगी रहती तो हमारे प्लांट्स की रूट्स को डैमेज ही करती, क्योंकि इसमें पानी वगैरह सोखने की भी ज़्यादा ताकत नहीं होती है मिट्टी में, और जो हमारी जड़ें होती हैं उनको बढ़ने भी नहीं देती। चिकनी मिट्टी काफ़ी हार्ड होती है। इस तरह से हमारे गमले में थोड़ा सा होल बनाते हुए कैलेथिया का प्लांट हम इसमें लगा देंगे और ऊपर से फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिट्टी भी इसमें भर देंगे। आप चाहें तो इसका जो बेबी प्लांट है इसको इसी में भी लगा सकते हैं साथ में, या फिर किसी दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं। मैं इस दूसरे पॉट में लगाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें उसके साथ मदर प्लांट के साथ एक सकर्स एक बेबी प्लांट पहले से ही हैं। इस तरह से मैं इसको दूसरे वाले प्लांट जो पॉट है उसमें लगाने वाली हूँ। इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है, इसको भी बहुत ही अच्छे से। कैलेथिया ऑर्नाटा का जो स्पेशल है इसमें, वो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वही होती हैं, उनके ऊपर जो स्ट्रिप होती है लाइट पिंक कलर और वाइट कलर की, वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं।
हमें इसमें मिट्टी अच्छे से दोनों पॉट में भर देनी है ताकि बहुत ज़्यादा जो स्पेस है वो ना रहे। अगर ज़्यादा स्पेस रहेगा तब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो वो पानी ज़्यादा दिया जाएगा और ज़्यादा पानी की वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। इस तरह से दोनों पॉट है इनमें अच्छे से मिट्टी भर दी है, अच्छे से प्रेस करते हो ताकि एयर पॉकेट्स बिल्कुल भी ना रहे, और लास्ट में इसमें वाटरिंग कर दी। इस तरह से हमारे प्लांट को हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं और इसके साथ उसको प्रोपोगेट भी आसानी से कर सकते हैं।